हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग विद नाज। आप सब कैसे हो गाइस? मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज आप लोग देखने वाले हो ये मेकअप लुक किस तरह लग रहा गाइस। ये मेकअप लुक एकदम ट्रेडिशनल ओके गाइस एंड स्मोकी आई मेकअप लुक देख लीजिए आप। ओके, स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगी आप लोगों को। ओके, चलिए आप लोग देख लीजिए। वेडिंग गेस्ट, अभी तो शादियां शुरू होने हैं तो इसलिए मैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। स्मोकी एंड ब्यूटीफुल एंड ट्रेडिशनल मेकअप लुक गाइस। ओके, देख लीजिए, स्टाइलिश भी दिख रहा, सिंपल सिंपल स्टाइलिश एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके गाइस, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट। हाय एवरीवन, चलिए गाइस, अब जो है अब मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं फेस वॉश कर ली, टोनर अप्लाई कर ली, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ली। अब जो है मैं लैक्मे का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ गाइस। ओके, आप लोगों जो चाहे तो वो अप्लाई कर लीजिए, प्राइमर जो चाहे वो यूज़ कर लीजिए। मैं फाउंडेशन गाइस यहाँ पर हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ गाइस। आप लोग जो यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर लीजिए। बाय द वे, इसका रिव्यू दे दूंगी मैं आप लोगों को। ये बहुत ही हाई कवरेज है, बहुत ही अच्छा है। ओके गाइस, अच्छी कवरेज देता, बहुत ही अच्छा स्मूथ फिनिशिंग भी देता। ओके, और इसका प्राइस जो है हाई रहता थोड़ा बहुत क्या 3000 तक रहता। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद में हुडा ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ मैं। आप लोग जो कंसीलर यूज़ करना चाहते, जो बजट फ्रेंडली हो वही यूज़ कर लीजिए। ओके, आपको जो अच्छा दिखे वो यूज़ कर लीजिए। मैं तो यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ कंसीलर यूज़ करके। उसके बाद जो है अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। ओके, माउथ अराउंडिंग भी हमारे को जो है पिगमेंटेशन रहता थोड़ा बहुत, इसलिए मैं वहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई करके ब्लेंड कर ली। उसके बाद जो है हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर ले ली मैं। लूज पाउडर लेके अच्छे से सेट कर रही हूँ गाइस। ओके, चलिए आप लोग जो लूज पाउडर यूज़ करना चाहिए यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो है आइज़ के लिड के ऊपर जो है कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। ब्लेंड करके मैं सेटिंग पाउडर से अच्छे से सेट कर दूंगी। उसके बाद जो है देखेंगे अभी बाकी के उसके बाद क्या है करेंगे। ओके गाइस, मैं फर्स्ट वीडियो शूट करी, बाद में जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलिए गाइस, अब जो है हम आईब्रोज बनाएंगे गाइस। मेरे आईब्रोज जो है पॉइंटेड नहीं है। ओके, मैं हमेशा पॉइंटेड नहीं बनाती हूँ, मेरे आईब्रोज वैसा पॉइंटेड नहीं है। तो मैं आज थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ, थोड़ा नया लुक्स क्रिएट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा पॉइंटेड बना दी, देख रहे हो ना गाइस, इस तरह पॉइंटेड बना के मैं अपना आईब्रोज सेट करी। ओके गाइस, अब जो है कलर बोर्ड का ब्यूटी ग्लेज्ड, आई थिंक आई प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। ओके, तो इसमें का पीच कलर ले रही हूँ गाइस। क्रीज के ऊपर अप्लाई करी, देख लीजिए ना आप लोग, क्रीज के ऊपर अच्छे से क्रीज बिल्ड करी मैं। उसके बाद जो है स्मॉल ब्रश ले ली मैं। यहाँ पर देख रहे हो ना, थोड़ा सा कॉफ़ी कलर है, वो कलर से मैं आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ वो कलर को। ओके, तो वो कलर मुझे कुछ ज़्यादा जो कलर चाहिए था वो नहीं दिया, तो दूसरी कलर अब जो लिए थी वो ली। उसके बाद जो है आउटर वी पे ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, ये ब्लैक जो है ना, मेरे को जो स्मोकी आई मेकअप लुक को जितना क्रिएशन चाहिए था उतना नहीं दिया कलर, तो मेरा स्मोकी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर, ब्लैक शेड ले ली मैं, आउटर वी पे प्लेस करूँगी। ओके, देख रहे हो ना गाइस, ओनली आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लिड के ऊपर आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ओके, टेक योर ओन टाइम, बट ब्लेंड अच्छा कर लीजिए गाइस। ओके, जितना ब्लेंड करेंगे हमारा मेकअप उतना ही अच्छा आएगा। ओके, और थोड़ा सा ब्लैक शेड ली, वही शेड और थोड़ा सा अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। देख रहे हो ना, ब्लेंडिंग में बहुत टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना अपन जो भी स्मोकी आई लुक क्रिएट करना चाह रहे ना, अपन अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके गाइस, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये कलर लेके मैं लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, देख लीजिए। आधा तो ब्लैक अप्लाई कर ली आउटर वी पे, आधा जो इनर वी पे जो है ये कलर अप्लाई करी, फिंगर से अप्लाई करी। ओके, अब जो है गाइस मैं आई लाइनर ड्रा कर रही हूँ। ओके, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बिगनर्स के छोटा सा टिप है गाइस, आई लाइनर अपने ड्रा करना नहीं है तो छोटे छोटे लाइन्स के थ्रू ड्रा कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से ड्रा हो जाएगा। मुझे भी नहीं आता था, मैं भी इसी तरह सीखी। ओके गाइस, अब जो है मैं आई लाइनर ड्रा, अब जो है लोअर लैशेस के नीचे मैं ये जो ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर है ना, वही कलर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करके स्मच कर रही हूँ, अच्छे से स्मच कर रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर स्मॉल ब्रश से अच्छे से अप्लाई करके स्मच कर रही हूँ। उसके बाद जो है
मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर, हुडा ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ गैस। ओके, आप लोग जो अप्लाई करते हैं हमेशा वही अप्लाई कर लीजिए। ओके गैस, चलिए गाइस अभी मस्कारा अप्लाई कर दी मैं कंटोरिंग पैलेट में से, मैं फेस को कंटोरिंग कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिए मैं चिक्स के पास कंटोरिंग कर रही हूँ और जॉ लाइन के पास कंटोरिंग कर दूँगी। ओके गाइस, और फोरहेड पे कंटोरिंग कर दूँगी, नोज़ को भी कंटोरिंग कर दूँगी, क्योंकि अपना फेस अच्छे से एक डाइनेंशियल शेप मिलेगा। फेस जो है सीजर लगेगा और जो है फेस पतला लगेगा। ओके गाइस, चलिए और अच्छा से कंटोरिंग कर दूंगी। उसके बाद जो है मैं हाइलाइटर अप्लाई कर दूंगी गाइस। ओके, यहाँ पर फिंगर से कंटोरिंग कर रही हूँ गाइस, ब्रश थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्मॉल ब्रश मिल नहीं रहा। ओके गाइस, तो अभी फिंगर से ही कर रही हूँ, हम फिंगर से भी कर सकते हैं यार, कभी कभी ब्रश नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं। ओके, फिर उठ के जाना, ब्रश लेकर आना पड़ेगा। ओके गाइस, अब जो है मैं यहाँ पर गोल्डन कलर आई शेडो पैलेट में से गोल्डन कलर जो दिखाई ना, वही इनर कॉर्नर के पास अप्लाई कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर इनर कॉर्नर हाईलाइट कर रही हूँ मैं, देख लीजिए आप लोग। ओके, उसके बाद जो है नोज़ ब्रिज पे हाईलाइट कर दूंगी, ब्राउ बोन के पास हाईलाइट कर रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पर ब्राउ बोन के पास हाईलाइट कर रही हूँ। ओके चलिए, अभी लिपस्टिक अप्लाई करना है, देख रहे हो ना गाइस, बहुत ही इजी है हमें मेकअप करना, ट्रेडिशनल मेकअप तो बहुत ही इजी है। ओके गाइस, इसमें यही आई शेडो पैलेट में से मैं पिंक कलर शेड ले रही हूँ, ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, ब्लश अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा ब्लश की तरह भी दिख रहा था। ओके, कभी कभी हमारा पास ब्लश नहीं है तो इस तरह आई शेडो में से आई शेडो ले लीजिए, एक पिंक कलर का ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं इस तरह बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरे पास ब्लश है बट मैं कहीं रख दी, मिल नहीं। चलिए गाइस, मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, देख रहे हो ना ये इयर रिंग्स पहन रही हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा इयर रिंग्स और बहुत ही ट्रेडिशनल दिखता, क्योंकि ये झुमकी टाइप है और हेवी इयर रिंग्स है। ओके गाइस, मैं चोकर वगैरह कुछ नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस पे ऑलरेडी हेवी वर्क है, इसलिए तो ओनली मैं झुमकीस यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, अब जो है एयर एक्सेसरीज यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इस तरह है और थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं ये यू पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ गाइस। ओके चलिए, ये था गाइस आज का मेकअप लुक। अगर आप लोगों को किस तरह लगा गाइस मेरा ये मेकअप लुक, अगर से आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए गाइस। ओके, अगर से आप लोग इसी तरह मेकअप लुक्स देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके गाइस, चलिए मेरा मेकअप तो कम्प्लीट हो गया गाइस, हम इसी तरह रेडी होके वेडिंग्स अटेंड कर सकते हो, ब्यूटीफुल दिख भी सकते हो। ओके गाइस, ओके डियर, लव यू, टेक केयर, बाय गाइस।